गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इन यहाँ पर आप देख सकती हो कि डेली छोटी छोटी चिड़िया को मैं खाना देती हूँ और डेली ये इस पर लड़ाई करते रहते हैं। मैं सोचा आज क्यों ना इनको कैप्चर किया जाए और आज आपको मौसम का हाल भी बताया जाए। सो मौसम है आज कुछ इस तरह से, भाग चुके हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। आज मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। सो अब यहाँ पर देख सकते हो तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। और अभी मैं गुन रही हूँ थोड़ा बहुत आटा ब्रेकफास्ट के लिए, तो फटाफट से गुन लेती हूँ, फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ है, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, 8 बजे आज मैं उठी हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो मैं कहा ठंड में क्या करना, तो उस करके मैं आराम से उठी। और यहाँ देखो हालत मेरी, तो फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। अगर ठंड में आपने पॉपकॉर्न नहीं खाया ना, तो भाई कुछ भी नहीं खाया। तो खाना खुना मैंने बना दिया है, तो आज पीछे पति देव पहुँचे, खराटे जी खराटे मार रहे हैं। मेरे फेवरेट है, मस्त मस्त एकदम। और फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो आज हमारे गांव में देवता जी को लेके आएंगे, पर बारिश के कारण पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है, बारिश थोड़ी कम हो जाती है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हमारे देवता जी को किस तरह से जब अपने घर को लाया जाता है तो किस तरह से मतलब उनका स्वागत किया जाता है। उफ, आज तो बारिश ही बहुत ज़्यादा बताई है, तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और जो यहाँ पे गाय को पानी पिलाने जा रहे हैं नीचे, और पता नहीं आज हम कैसे जाएंगे। सामने जो आपको घर दिख रहा है वहाँ पर सारा देवकार्य है, तो देवता जी आ चुके हैं, तब मैं भी जाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर जाने के लिए तैयार, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर गांव में देवकार्य है, तो उस करके मुझे तैयार होना है। तभी मैंने कपड़े तो पहन ही लिए हैं वैसे, और ठंड है बहुत, बारिश लग रही है, तो मैं सोच मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और जितने को गांव की जो लेडीज़ होती है वो साथ में ही जाती है मैक्सिमम फंक्शन में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले से मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर उन्हीं के साथ में निकल जाऊँगी। तो फटाफट से तैयार होती हूँ और फिर आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। तो मैं और दीव हो चुके हैं तैयार, तो अभी दीव पूरे घर में को मतलब लॉक लगाने गए हैं, और अभी मैं थोड़ा बता सक लेती हूँ। और मौसम सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है सुबह से लेकर, और फिर ले जाने का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं कैप्चर तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर पाऊँगी आज, और आज तो बहुत ज़्यादा रश भी होएगा वहाँ पर, तो बहुत सारे रिलेटिव आएंगे जो भी है, तो फिर उनके साथ मैं बिज़ी रहूँगी, तो बहुत ही कम शूट कर पाऊँगी। मैं सोचा था कि मैं पूरा आपको बताऊँगी कि हमारे किस तरह से देवता जी को लाया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बारिश ने पूरा काम खराब कर दिया। बट चलो कोई नहीं, आगे जो भी होगा सो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगी। आज वहां लग जाऊंगा मैं, हाँ वो ले गया 300 रुपया, वो चला गया। अच्छा, कोई सामान खरीद, कोई कुछ सामान वाला आया, कोई चीज वो एक ले लिया, वो देख दूर में चला गया, वो 15 दिन पहुंचते 1000 रुपये खत्म। पेमेंट 2 दिन पहले देखा, 1 रुपया नहीं घर पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पेमेंट मिल जाएगा, फिर 2 दिन बाद मिलेगा, फिर वही सामान घर की खाने पीने वाली।
पहनने वाली जो आप दूसरों करने वाला उसकी मर्जी की बात। फिर अगले पेमेंट पहुंचते ही पैसा खत्म। पैसा तो हाथ का मेल है। ये तो मुझे ही मालूम है कि वो हाथ की मेल है। हाँ तो बाहर हो चुकी है धुंधी धुंध और अंधेरा भी हो चुका है। तो मैं और अंकल यहाँ पर आपस में बात घर पे पूजा वूजा कुछ करना हो ना। हाँ तो 2 महीने पहले से इंतजाम करना पड़ता था। अच्छा हाँ कि उसके लिए है इसके लिए उसके लिए 1 रुपया भी इधर खाते नहीं। जो जो बाप बैठे कोई सामान खाते थे 15 दिन में हम 10 रुपये के तो वहाँ 8 रुपये 7 रुपये खाते थे तो बचा करके रखना पड़ता था उसके लिए। ये अंकल जी अपने गांव की स्टोरी सुना रहे हैं जहाँ से ये यहाँ पर आए हैं। ये एक आदिवासी है तो आगे चल हमारे उतनी सब्जी खरीदते भी नहीं है तो सब्जी हमारे जो जंगल है ना यहाँ आप लोग खरीदते हैं वो सामान तो हम लोग को जंगल में मिलती है। ऐसे खेत नहीं होते आपके जैसे हमारे होते हैं। पार्क में फिर लगा लेकिन जंगल में मिलती है हमारे। हमें सुबह 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 4 बजे रात जाता हूँ खेती में घूमता हूँ कहाँ कहाँ मिलता हूँ इतना कोई समय इतना नहीं गए ढूंढ के जाता हूँ। तो अंकल जी यहाँ पर ही बता रहे हैं कि मीठा तो होती है ना मैं तो जंगल से जाता हूँ। अच्छा किसी किसी को दिखाता भी नहीं बताता भी नहीं तो वो लोग जाकर खा लेगा सप्ते में इतनी देखी जाता हूँ बस। ठीक है तो यहाँ से कब जाओगे वापस? यहाँ से कब जाओगे वापस? अब कोई ठिकाना नहीं अब तो कोई सोचा भी नहीं। जब 1 लाख कमा लोगे पूरा? मैं सोचा 1 लाख में कमा के जाऊंगा। अच्छा गड्डी 1 लाख की हाथ में लेके जाओगे? ठीक है तब मैं कैसा कर सकता हूँ केस को से लेके जाऊंगा हाथ में तब आपको संतुष्टि मिल जाएगी क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा अंकल जी को यहाँ पर बहुत ज्यादा लाउड सुनाई देता है क्योंकि ये कानों से नहीं सुन पाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं कानों डालूंगा क्यों बोल रही हूँ। 1 लाख रुपया वहाँ निकालूंगा तो देगा नहीं बोलेगा एप्लीकेशन बनाओ उसके बाद क्या करोगे नहीं करोगे आप वो लिखाओ उसके बाद। ये अंकल जी अपने गांव की स्टोरी सुना रहे हैं। बहन की शादी है बेटी की शादी है झूठ बोलना पड़ेगा तब निकाले जब देगा पैसा है। हाँ उससे अपने तो मैं तो पैसे उसे झूठ क्यों बोलूंगा। सही बात है। शाम का टाइम है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि दिन भर बारिश हो रही है आज। तो बारिश का आज दूसरा दिन है कंटिन्यू बारिश लग रही है और अंधेरा भी बहुत हो चुका है बाहर और टाइम हो चुका है यहाँ पर सब अच्छे। तो मैं और अंकल यहाँ पर गपशप मार रहे थे। अंकल जी मेरी अंगेठी रखी है तब यही स्टोरी सुना रहे थे अपनी। तब यहाँ से जाने की तैयारी में तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। आटा मैंने गून के रखा है और उधर मैंने गैस पे चावल चढ़ा दिए हैं तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ क्योंकि लाइट आज बहुत ही मतलब आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है दिन भर यही काम हुआ है आज। तो मतलब फटाफट से खाना बना लेती हूँ और फटाफट से अपने रूम में चली जाती हूँ। तो आपको मिलती हूँ अब मैं अपने रूम में।